शिक्षा शिक्षा शिक्षा, क्योंकि डॉक्टर वीर अम्बेडकर साहब भी कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा उधारेगा। यह सोचने पे मजबूर करते कि डॉक्टर वी अम्बेडकर साहब शिक्षा और शेरनी का दूध है क्यों कहे थे, क्योंकि हम जब जब पीते हैं तब तब ढारते हैं। और बात शिक्षा पे ही क्यों आती है, सत्ता की भी रुकती है, और शिक्षा पे ही बात सच्चा का सत्ता का हमला भी होता है, शिक्षा के बाद हम और आप भी करते हैं। मुद्दा तमाम है, लेकिन मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व आई मिस बहुजनों के तरफ से स्टूडेंट हूं, मैं छात्र हूं, तो छात्र होने के नाते इस शिक्षा का दर्द समझ रहा हूं। अभी वर्तमान में ही जेएनयू से लेके लखनऊ विश्वविद्यालय से लेके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी शिक्षा को लेके धरना चल रहा है। शिक्षा को लेके क्रमिक अनशन 18 दिन से हमारे साथियों ने आमरण अनशन पे भी बैठे, उनका तबियत भी खराब हुआ, बेली अस्पताल में भी भर्ती हुए, लेकिन अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। वो भी महोदय शिक्षा 1% नहीं, 400 गुना शिक्षा बढ़ा दिया गया, 400 गुना फीस वृद्धि की गई है, यह समझना पड़ेगा। हम लोग आप लोग सोचते थे कि 1% बढ़ता पेट्रोल का दाम हो या जीएसटी का दाम हो या जो भी चीजें बढ़ता है, अगर हमारा फीस बीए के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1400 रुपया है तो अगर सरकार बढ़ा रही है तो 1500 करना चाहिए। पेट्रोल का दाम तुम बढ़ाते हो 90 से 95 करते हो, लेकिन शिक्षा का दाम 4 गुना यानी 400% फीस वृद्धि क्यों? क्योंकि महोदय समझना पड़ेगा कि शिक्षा सवाल पैदा करता है, शिक्षा अधिकार पैदा करता है, शिक्षा हमारे और आप जैसे युवाओं के अंदर वो क्रांति लिखने का पैदा करता है, शिक्षा अधिकार मांगने का करता है, और शिक्षा बार बार सत्ता से हक और हुकुम की बात करता है। इसलिए तत्काल सरकारों की बात है कि शिक्षा ही खत्म कर दो, क्योंकि आने वाले गांव गढ़वीत के खंडहर से मजरूम 85 के लड़के न शिक्षा पाएंगे न शिक्षा की बात करेंगे। जब शिक्षा ही नहीं पाएंगे तो अधिकार की क्या बात करेंगे, स्वाभिमान की क्या बात करेंगे। इसलिए सरकार की मंशा है या आरएसएस की विचार है कि शिक्षा को खत्म कर दिया जाए। साहब आप जैसे राजस्थान के साथी ने बताया कि मिड डे व्यवस्था सही मिल रहा है, आप हमें 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, लेकिन साहब शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? तो सोचने वाली बात है कि नहीं कि सब चीज तो फ्री में दे रहे हैं लेकिन शिक्षा फ्री में क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि संविधान में कहा गया है कि बजट का 10% बजट का 10वां भाग शिक्षा पे आपको खर्च करना है। लेकिन हमको तो लग रहा है कि ये 10% तो छोड़िए साहब, 5% भी खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो गरीब गांव का लड़का इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तमाम उच्च संस्थानों में पढ़ के संसद की दरवाजा खटखटाता है, जिला अधिकारी की सबसे बड़ा नौकरी करता है, डॉक्टर बनता है, बीबीएस बनता है, ये उनके आंखों में समानतावाद के आंखों में समानतावादियों के ब्राह्मणवादियों को यह देखा नहीं जा रहा है कि जो 85 के लड़के यादव जी दूध बेचते थे, चमार चमड़ी बेचते थे, पशुआन सुअर चलाते थे, कुर्मी सब्जी बेचते थे, तमाम जो जो भी करते थे, अब तो इनके लड़के आंखों में आंखें मिला के बात कर रहे हैं। अब तो इनके लोगों सत्ता में जाके संसद में जाके कानून बना रहे हैं, उनको तब यही है चिंता कि मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और खुल के बता दीजिए कि भारत संविधान से चला है और संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, क्योंकि भारत को आजाद होने में, भारत को बनाने में और भारत में जितना अधिकार उन मनुवादियों का है उससे कहीं ज्यादा 85% के लोग, घर रोटी कपड़ा बनाने वाले लोग हमारा अधिकार है। तुम देश को बर्बाद करने की बात करोगे।
तुम देश को बर्बाद करने की बात करोगे, हम देश को बचाने की बात करेंगे। और यह खुलौती चुनौती है जितेंद्र कुमार धनराज की कि इस भारत को हम बर्बाद होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बहुजनों की विरासत की यह विरासत है, बहुजनों की पुरखों की यह विरासत है, हम विरासत को बचाएंगे। तब डॉक्टर अंबेडकर साहब कहे थे कि मेरे साथियों, संविधान जब 1956 को संविधान दिवस पे संविधान हमको सौंप के जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि अंबेडकर आप इतना प्रसन्न इतना खुश क्यों हैं। अंबेडकर ने कहे हम इतना खुश इतना प्रसन्न इतना भावुक भी इसलिए हूं कि जिसके लिए मैंने अथक प्रयास, जिसके लिए ठोकर ठोकर दर दर ठोकरें खाई, जिसके लिए मैंने छुआछूत झेला, जिसके लिए विदेशों की मैंने पढ़ाई किया, उसका संविधान उसका मौलिक अधिकार इस संविधान में देके जा रहे हैं। साथियों हमारे गरीबों की दर्द की दवा कोई है तो संविधान है। साथियों तुम संविधान पढ़ लेना, उसका कोई डॉक्टरों की इलाज नहीं है, कोई एक डॉक्टर का डॉक्टर भी अम्बेडकर साहब एक डॉक्टर थे, आपकी हर दर्द की दवा हर दर्द का इलाज कोई था तो संविधान था साहब, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर बहुत प्रसन्न थे। तो बचा लो इस संविधान को साथियों, हम संविधान को बचा लेंगे तो हम देश को बचा लेंगे, हम संविधान को बचाएंगे तो अपने शिक्षा को बचा लेंगे, और जब शिक्षा को बचा लेंगे तो रोजी रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई हम लड़ लेंगे, क्योंकि हम तो लड़ने वाले कौम है ना साहब। आप ही कहते हैं ना कि हम निवासी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, तो हम संघर्षों के आदि हैं, तो संघर्ष तो हमने पानी पीने तक किया था साथियों, ये पगडंडियों पे हम करेंगे संघर्ष, संघर्षों से पीछे नहीं हटे, लेकिन हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो अम्बेडकर कहे थे कि मांग स्वाभिमान अधिकार, मांगने से नहीं मिलता उसको छीनना पड़ता है, तो जब आप पढ़ेंगे तभी आप अपने अधिकार को छीन पाएंगे। तो शिक्षा शिक्षा शिक्षा, इसलिए धनराज भी अगर जोर देता तो शिक्षा पे, क्योंकि मैं भी एक गाजीपुर जिले के गोसलपुर के गांव से एक छोटा सा परिवार से निकला हुआ बालक हूँ। मैं भी जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया तो मुझे भी नहीं पता था कि जातिवाद क्या होता है, छुआछूत क्या होता है, गरीबी और अमीरी क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे आप सभी लोग उच्च संस्थानों में जाएंगे, उच्च कारखानों में जाएंगे, जितने भी ऊंचाइयों पे जाएंगे उतने ही ज्यादा आपको छुआछूत मिलेगा, उतने ही आपको गरीबी और अमीरी की उतरी हुई खाई दिखाई देगा। अंबेडकर कहे कि हम संविधान तो बना दिए, आपको सामाजिक स्वतंत्रता तो दे दी, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तो दे के जा रहे हैं, लेकिन अगर सामाजिक स्वतंत्रता हम हासिल नहीं कर पाएंगे तो आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा, बाल बाल और मारे जा रहे हैं, मैं इंद्र मेघवाले मार दिया जा रहा है, क्योंकि सामाजिक स्वतंत्रता अभी धरातल पे नहीं उतरा। अभी बलिया में भी एक लड़के को सिर्फ बाइक को टच कर दिया था तो उसको पीट पीट के उसका हड्डियां तोड़ दिया गया। तमाम आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, भाई सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार, जैसे प्राइवेटीकरण का निजीकरण क्या है, फीस को बढ़ाना ही भी तो इनडायरेक्टली निजीकरण है साहब। अगर मैं विश्वविद्यालय में भी 5,000 दूं और प्राइवेट में भी 5,000 दूं तो क्या मतलब, प्राइवेट यानी निजीकरण यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय निजीकरण। हमने तो खुल के कहा कुलपति महोदया से, उनके पतिदेव जज है सुप्रीम कोर्ट के, हमने कहा कि कुलपति महोदया उस मदमोस्त मत होइए कि आपके पतिदेव कुलपति है, यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय हर साल 1,000 जज बना के भेजता है और हर साल विधायक और संसद बनने की सपना देखता है, उनके नाम को चने चबुआ के रख दिए हैं जो कुलपति महोदय संगीता श्रीवास्तव हैं। तो साथियों लड़ना पड़ेगा, बातें बहुत है, लेकिन एक ही बात कहूंगा कि जहां पे दूरियापन पे वहां पे पास लिख देना, जहां पे दूरियापन पे वहां पे पास लिख देना, जहां पे दम निकलता हो वहां पे धनराज का सांस लिख देना, तुम्हें उम्मीद भारत की तुम्हें इल्तियाज हो, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना, नया इतिहास लिख देना, हमें चाहिए आजादी। क्यों हम नहीं मनाएंगे अमृत महोत्सव, ना मनाए हैं ना मनाएंगे,
तिरंगा हमने हमारे प्राणों से प्यारा है। उस तिरंगे का सम्मान जब आरएसएस वाले तुम नहीं करते थे तब से सम्मान करते आए हैं, हर बार करेंगे। अब तुम्हारे कहने से थाली नहीं बजाएंगे, अब तुम्हारे कहने से मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, तुम्हारे कहने से हम अमृत महोत्सव नहीं मनाएंगे। क्योंकि आज भी हम आजादी की मांग करते हैं, हमें आजादी चाहिए बढ़ती हुई हम अमीरी और गरीबी से, हमें आजादी चाहिए छुआछूत से, हमें आजादी चाहिए बढ़ती हुई अपनी बहनों के बलात्कार पे, हमें आजादी चाहिए अपने भाइयों की बेरोजगारी से, हमें नई आजादी चाहिए। जिस आजादी के डॉक्टर अम्बेडकर से लेके शहीद भगत सिंह से लेके अशफाक उल्लाह खान से लेके डॉक्टर मनोहर कांसी राम साहब से लेके पुरखों की पिछली पासी से लेके तमाम बहुजन विरासत के लोग ने जिस आजादी की बात की, हमें उस आजादी चाहिए। क्योंकि नए भारत हमें चाहिए, हम लेके रहेंगे आजादी। हम देश बचाने निकले, आओ हमारे साथ चलो, क्योंकि देश नहीं बचाएंगे तो हमारे साथी नहीं बचेंगे, और हमारे युवा साथी नहीं बचेंगे, क्योंकि युवा साथी, युवा बहने, युवा भाई इस भारत के कर्णधार है। ए मेरे भाइयों, हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे मार्गदर्शकों को जो करना था वो कर दिए। अब इस भारत को बचाने का, बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने की किसी का कंधे की जिम्मेदारी है तो हमारी युवा बहनों पे, युवा साथियों पे, क्योंकि आप इस देश के कर्णधार हैं। तभी कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा जिस दिन आप संकल्प ले लेंगे उस दिन संविधान को धरातल पे उतार देंगे, उस दिन वास्तविक जिस दिन संविधान को धरातल पे उतार देंगे उस दिन सब समस्या का समाधान हो जाएगा। साथी अपने बातों को विराम देंगे, बातें बहुत है, वक्ताओं की लाइन बहुत है, लेकिन वादा नहीं, विश्वास नहीं, संकल्प लेके धनराज जा रहा। हर बार गाता हूँ, किसी दौर से गुजरोगे उस दौर से बोलूंगा, तुम गूंगे हो तो और जोर से बोलूंगा, इंकलाब लिखूंगा। और तमाम साथी जो कहते जय 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 भीम, साथियों सिर्फ जय भीम और जय मूलवासी कहने से इस संविधान का सुरक्षा नहीं होगा। वास्तविक उस संविधान को धरातल पर उतारना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर कहे थे कि हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने से ज्यादा उसको धरातल पे उतारने की जरूरत है। साथियों हम जितना अम्बेडकर साहब के किताबों को पढ़ेंगे उतना मैं धरातल पे उतारूंगा। क्या मैं संविधान पढ़ गया? नहीं, संविधान हम पूरा नहीं पढ़ पाए, जहां तक कि पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अम्बेडकर की सभी किताबों हम शायद न पढ़ पाए, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम दो ही शब्द पढ़ें, अगर उसको धरातल पे उतारेंगे तो संविधान धरातल पे उतरेगा साहब, और उस दिन संविधान बदलते या भारत की तस्वीर दिखाई देगा, तब जाके बहुजनों मिशन को, मूवमेंट को धरातल के साथ उसमें धाराओं में आप धक्का देंगे। तब हम कहेंगे गर्व से कि अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों के हम मानने वाले लोग हैं साहब। ये धनराज कहता है कि हर समय आपके साथ हूँ, जहाँ याद करेंगे वहाँ। तभी धनराज कहता है कि जो जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ते, बहते बहते जो तहर जाए वो दरिया छोड़ दे। अरे हम तो फूल थे, हम तो छुआछूत से अनजान थे, बढ़ती हुई गरीबी अमीरी से अनजान थे, लेकिन तुम तो हमको काटा बना दिए, बोलना सिखा दिए, और जब बोलते हैं, जब अधिकार मांगते हैं तो कहते हो कि बोलते कहाँ हो, तो भूल दे तुमने तो काटा बना दिया, और अब इस काटों से कहते हो कि चुभना छोड़ दे, बार बार चुभेंगे, हजार बार चुभेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जीतन धनदास जी, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नेता हैं, आपने हमारे इस बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वालिटी के अधिवेशन में आए हुए लोगों को संबोधित किया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। साथियों किसी एक साथी का फोन हो गया है, गलती से अगर किसी के पास हो तो उसको आप लोग देने का कष्ट करें।